तो आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर के अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही काम की चीज़ इनके बारे में, ये है कातले। हमारे लाए थे कातले, क्यों लाए थे आपको बता दीजिए, जो हो दे इसको ढकने के लिए कातले लाए थे, चार कातले हैं। तो इनके प्राइस की बात करते हैं तो ये लगभग 7.5 फुट इनकी लंबाई है यहाँ से लेके वहाँ तक, और ये लगभग 65 रुपये फुट हमारे पड़ा था, चलता रहता है 65 से 64 रुपये फुट भी मिलता है, कहीं कहीं 65 भी मिलता है, कहीं 68 भी मिलता है, कहीं 60 रुपये फुट भी मिलता है। तो प्राइस वेरी करती रहती है, मूल्य है इनका जो कीमत है, लेकिन ये हमारे 65 रुपये फुट पड़ा था। और चार कातले हैं टोटल, तो चारों कातलों का जो प्राइस था वो लगभग पड़ा था हमारे 3600, क्योंकि 900 रुपये का एक पड़ा, 65 रुपये फुट है, 7.5 फुट इसकी लंबाई है, तो एक हमारे 900 रुपये का पड़ा लगभग, तो 3600 रुपये का पड़ा, इससे रखेंगे होद। और वैसे पैसे कहाँ से आए इनको लाने के लिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले क्या यार एक और चीज़ बच गई है उसको भी दिखाता हूँ आपको, जो आप ये देख रहे हो बक्सा, ये बक्सा लगभग 4700 रुपये का पड़ा था, अच्छा खासा बना हुआ है, इसको खोल को देखते हैं, खोलने पे आपको नज़र आ जाएगी बीच में एक लगी हुई है, और यहाँ पे जो खांचे हैं पैसे वैसे रखने के लिए, पैसे तो होते नहीं हैं तो बेसिकली खांचे हमारे कुछ काम के नहीं हैं, बाकी इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, अंदर से भी काफ़ी सॉलिड लग रहा है, पानी वानी भी शायद कोई जगह नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये रिविट लगा रखी है, इस टाइप का जो जॉन्ट होता है ना उसको रिविट बोलते हैं, ये जो कील मार के खींचते हैं, तो इस टाइप से इसको बना रखा है, काफ़ी मजबूत क्वालिटी है, बजा के देखते हैं थोड़ा, चद्दर थोड़ा हल्का ही लग रहा है, कीमत भी उसके हिसाब से है, जैसा भी लोगे आप बाज़ार से मिल जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ ये बक्सा हमारे पड़ा 4700 रुपये का, 4700 का। नीचे सपोर्ट दे रखा है, यहाँ पे पत्तियाँ दे रखी है, पत्तियाँ देख लो भाई कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा, मैं भी वीडियो के अंदर देखूँगा बाद में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बनाने में इतना कास नहीं बना रखा नीचे, ये देख रहे हो ये जगह छूट रखी है यहाँ पे। तो ये था टोटल जो कल शॉपिंग करके आए हैं, और शॉपिंग के पैसे कहाँ से आए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो शॉपिंग के पैसे बाजरा बेच के, अभी बाजरे का मूल्य थोड़ा प्राइस बढ़ गया है मंडी भाव, तो बाजरा बेचा, उसके बाद शॉपिंग की, तो बाजरे तो बेसिकली 3300-3400 रुपये का ही हुआ था हमारा, क्योंकि 2 क्विंटल बाजरा था और कुछ 2000 या 1900 के लगभग बिका था, कमज़ोर था। अभी बाजरे का मूल्य चल रहा है बाज़ार के अंदर काफ़ी अच्छा, जो बाजरे का मूल्य है वो लगभग 2100-2200 रुपये हो गया है। तो ये थी कल की टोटल शॉपिंग, आज मैं बता रहा हूँ, मेरा तो जाना हुआ नहीं तो सोचा आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहती है गांव में, किसान भाई ख़रीदते हैं। अब इस बक्से का यूज़ हम कहाँ पे लेंगे आप लोगों को वो भी बताना भूल गया। तो बक्से का यूज़ आप अनाज होता है हमारे जो धान होता है उसको डालने के लिए भी कर सकते हैं, बेसिकली हमारे जो यूज़ में लेंगे इसको बोलेंगे जो हमारे रजाई गद्दे होते हैं, गुदरा गबूर देसी भाषा में बोले, और इससे छोटा भी मिल जाएगा बक्सा, उसको पेई बोलते हैं, तो पेई थोड़ी छोटी होती है लेकिन उसमें एक रजाई नहीं आती, बड़ा बक्सा है भाई, आप लोग देख लो, इसमें अगर हम अनाज डालें तो इसमें अनाज आ जाएगा लगभग 8 क्विंटल 10 क्विंटल इतना लगभग अनाज आता आ जाएगा, और जो अनाज के लिए अच्छा है ये भी, लेकिन इसमें अनाज ख़राब होने के थोड़े चांस रहते हैं। लेकिन रजाई गद्दे रखने हैं आपको, अब सर्दियां निकल चुकी है तो रजाई गद्दे पड़े हुए हैं तो उसको चूहे काट जाते हैं, ऊंदरे काट जाते हैं, तो उसके लिए बेसिकली ये जुगाड़ है, ये 4700 रुपये का रजाई गद्दे रखने के लिए लिया है हमने। तो चलता रहता है यार, खेती बाड़ी करते हैं, पैसे आते हैं खूब, तो भाई गांव के मज़े तो होते रहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब भी कर लेना, इतनी सारी वीडियो डालता हूँ यार, आप 10-15 लोग ही देखते हो, अच्छा नहीं लगता यार, कमेंट करो वीडियो के नीचे कैसा लगा, फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छा वीडियो लेके, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।